क्वेश्चन इज लाइक एक्सट्रोवर्ट होता है, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होता है और बहुत जल्दी फ्रेंक भी हो जाता है और सबसे अच्छे से इजिली अपने व्यूज जो भी होता है वैल्यू होता है सब शेयर कर लेता है अच्छे से। और ऑन द अदर साइड जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं सामने किसी से और ओपन नहीं होते हैं जल्दी एज कम्पेयर टू द एक्सट्रोवर्ट्स। सो वो अपने जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बना सकता है। बहुत तो अच्छा क्वेश्चन है जैसे मैं वैसे। हूँ, हाँ मैं जल्दी हो पाती हूँ किसी के साथ फ्रेंक और अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाती, तो मैं यही जानना कंप्लीटली चाहती हूँ। अंडरस्टैंड प्राची। देखो हम ना ट्रेडिशनली ये सोचते हैं कि एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो ज्यादा बोलता है और इंट्रोवर्ट वो होता है जो कम बोलता है। जो डिक्शनरी डेफिनेशन है प्राची वो बहुत अलग है। डिक्शनरी डेफिनेशन ये कहता है कि एक्सट्रोवर्ट वो है जो बाहर से एनर्जी लेता है। इसका ये मतलब है लोगों से बात करके, लोगों से डिस्कस करके, लोगों के बारे में जान के एनर्जी लेता है। और इंट्रोवर्ट वो होता है जो एनर्जी अंदर से लेता है, मतलब अपने साथ टाइम स्पेंड करके, अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस समझ के, अपने थॉट समझ के। और कोई डिफरेंस नहीं है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का। दोनों इक्वली इंपैक्टफुल हो सकते हैं, चाहे वो एक्सट्रोवर्ट हो या चाहे वो इंट्रोवर्ट हो। जैसे एक मीटिंग से पहले एक्सट्रोवर्ट ना सबसे बात करेगा, सबको बोलेगा तुम्हारा बताओ क्या थॉट है, क्या ओपिनियन है, उस पे थॉट्स बनाने की कोशिश करेगा। इंट्रोवर्ट बैठ के अपना प्रिपरेशन करेगा, राइट, अपने अपना गूगल करेगा, अपने प्रेजेंटेशंस देखेगा और वैसे प्रिपरेशन करेगा। पर जो एनर्जी है प्रेजेंटेशन का वो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों का सेम हो सकता है। अंकुर वारिकू का नाम सुना है आपने प्राची? सॉरी सर, अंकुर वारिकू का नाम सुना है? नो सर, कुछ लोगों ने सुना है यहाँ पे अंकुर वारिकू का नाम? यस सर, यस सुना सर। है? अंकुर वारिकू इतना लिखता है लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, राइट, दिन के दो दो पोस्ट लिख देता है, उसके हजारों वीडियोस होंगे। और वो सबसे बड़ा इंट्रोवर्ट है दुनिया का। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट इज नॉट मोर टॉकिंग लेस टॉकिंग। इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट इज जस्ट वेयर यू गेन योर एनर्जी फ्रॉम। And after you have gained that energy, you can be equally impactful. तो दिमाग से ये निकाल दो कि मैं इंट्रोवर्ट हूं तो मैं बात नहीं कर सकती, मैं इंट्रोवर्ट हूं तो मैं एनर्जी अपने अंदर से लाती हूँ और फिर जब मैं बात करती हूँ तो दुनिया सुनता है। जैसे अभी आपने बात किया, सबसे पहला क्वेश्चन आपने पूछा ना, इसके लिए भी करेज जोन में रहना पड़ता है। कम्फर्ट जोन वाले लोग चुपचाप बैठे हैं ना, आप करेज जोन में हो करके आपने सवाल पूछा तो ऑलरेडी यू हैव रीच दैट स्टेट वेर यू वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस इन लाइफ। Thanks for asking, Prachi.